एक आदमी ट्रेन में अपनी सीट पर बैठे बैठे अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ रहा था। उसके सामने एक इंसान बैठे बैठे उसे देखे जा रहा था। उसे रहा नहीं गया तो उसने पूछ लिया कि मैं देख रहा हूं कब से आप इस धर्म ग्रंथ में डूबे हुए हैं, बड़ा ध्यान से पढ़ रहे हैं। धर्म ग्रंथ को पढ़ने वाले आदमी ने इंसान ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही है, एंड ही कंटिन्यूड। इतने में सामने वाले इंसान से रहा नहीं गया तो उसने फिर एक बार एक सवाल पूछा। उसे पूछा कि आपको क्या लगता है ये धर्म ग्रंथ कितने सालों पहले लिखा गया होगा। वो धर्म ग्रंथ पढ़ने वाले इंसान ने कहा कि हजारों वर्ष पहले। तो ये सवाल पूछने वाले इंसान ने कहा सालों पहले, और वो भी हजारों वर्ष पहले जो धर्म ग्रंथ लिखा गया है, आज के जीवन में उसके मायने क्या होंगे, आज उसकी उपयोगिता क्या है, तो क्यों अपना समय जाया कर रहे हैं इसे पढ़ने में। साइंस विज्ञान कितना आगे निकल चुका है और आप ये धर्म ग्रंथ पढ़े जा रहे हैं। अब तक में वो धर्म ग्रंथ पढ़ने वाला जो इंसान था वो रुचि लेने लगा था सामने वाले की बात में। इतना ही नहीं, उसे सुनने वाले और भी कान मिल चुके थे। अब डिब्बे में जितने भी लोग बैठे हुए थे सब इस महानुभाव की बातों में रुचि लेने लगे थे, और जब उसे कान मिल गए तो वो और जोश में आ गया और जोश में बताने लग गया, मैं साइंस यानी कि विज्ञान पढ़ाता हूँ, कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, और विज्ञान जो है, साइंस जो है, मेरे रोम रोम में, कण कण में और मेरे खून के एक एक कतरे में है। जब मैं आप जैसे लोगों को देखता हूँ कि आप धर्म ग्रंथ पढ़े जा रहे हैं तो मेरा खून खौल उठता है। मुझे समझ में ये नहीं आता कि आप ये छोड़कर विज्ञान से जुड़ी हुई कोई किताबें उसमें रुचि क्यों नहीं लेते। ये इंसान बातें ही कर रहा था कि इतने में स्टेशन आ गया और सारे लोग नीचे उतरने लगे। ये जो विज्ञान का प्रोफेसर था वो भी नीचे उतर ही रहा था कि इतने में उसने देखा कि वो धर्म ग्रंथ पढ़ने वाले इंसान ने अपनी किताब बंद की, उसे बैग में रखा और वो भी नीचे उतर रहा था। तो इस विज्ञान के प्रोफेसर ने उत्साहपूर्वक पूछ ही लिया, तो अपने बारे में बताएं, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं। ये जो इंसान धर्म ग्रंथ पढ़ रहा था उसने अपने बारे में बताते हुए कहा कि महाशय मेरा नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। बड़े विनम्र भाव से ये बोल तो गए, लेकिन जो ये विज्ञान का प्रोफेसर था उसकी बोलती बंद हो चुकी थी, उसकी जुबान, उसका मुंह सिल चुका था। पूरे विश्व को विज्ञान से जुड़ी हुई इतनी भेंटें देने वाला थॉमस अल्वा एडिसन वो इंसान इसके सामने था और जिसे ये साइंस के पाठ पढ़ा रहा था। थॉमस अल्वा एडिसन ने विज्ञान के उस प्रोफेसर को ट्रेन से उतरते हुए ये जरूर से कहा कि जब भी किसी साइंटिफिक डिस्कवरी के समय पे, किसी एक्सपेरिमेंट के समय पर, किसी खोज के समय पर मुझे निराशा हासिल होती है, तब मैं इसी धर्म ग्रंथ को पढ़ के और ज्यादा हिम्मत पाता हूं। अर्थात इस कहानी का भाव अगर समझें, सबसे पहली बात कि किसी भी इंसान को अपने आगे साधारण मान लेना ये सबसे बड़ी गलती होगी, और साथ ही किसी भी धर्म ग्रंथ पर विशेष टिप्पणी करने से पहले ये जरूर से सोच लें जो भी बोलेंगे उससे अपनी स्मार्टनेस नहीं अपनी मूर्खता का ही साबित न कर बैठे। अगर आपको ये कहानियां पसंद आती हैं तो हर सोमवार और हर गुरुवार मेरी इसी ओनली एन ऑफिशियल YouTube चैनल पर जरूर से रखती हूँ एक वीडियो स्टोरी, माय वायरल स्टोरीज, माय मोटिवेशनल वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी मैं कहानी रखूँ तो आपको जल्दी से पता चल जाए। अर्चना की ओर से सलाम दुआ वणकम प्रणाम सत श्री अकाल केम छो सारू छे विश्व आखुई मारू छे। अर्चना की ओर से